समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव के ईवीएम मामले में बयानबाजी को लेकर उनके रिश्तेदार ने ही पलटवार किया है। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के संधि फिरोजाबाद के सिकोहाबाद से 3 बार विधायक रहे भाजपा प्रत्याशी हरि ओम यादव ने सपा सुप्रीमो और सपा महासचिव पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है, काउंटिंग में धांधली होने का सवाल उठाना बिल्कुल गलत है। निष्पक्ष चुनाव हो रहे हैं, जनता बीजेपी की सरकार बनाने जा रही है, योगी मोदी की बढ़ती लोकप्रियता को देखकर ये लोग बौखला रहे हैं। निष्पक्ष काउंटिंग होगी, ईमानदारी से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने जा रही, जनता बना रही सरकार, और योगी जो मोदी की लोकप्रियता इस देश में बढ़ रही है, इसलिए ये लोग बौखला रहे हैं। वही हरि ओम यादव ने एक सनसनीखेज खुलासा भी किया। उन्होंने कहा कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को सपा महासचिव राम गोपाल यादव गुमराह कर रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष को पत्र लिखकर सूचना देते हैं, खुद क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। सपा के पास मात्र यादव मुसलमान वोट है, उसमें से भी यादव 30%, मुस्लिम 40% हट चुका है। अन्य जाति के लोग वोट नहीं दे रहे हैं। हर कोई मोदी योगी की लोकप्रियता के आगे फेल है। जब समाजवादी पार्टी को वोट मिला ही नहीं तो ईवीएम में कहां से आएगा। ईवीएम पर बयान देकर अखिलेश अपनी छवि खराब कर रहे हैं, हार और हताशा में बयान दे रहे हैं। सपा महासचिव राम गोपाल यादव और उनके बेटे प्रदेश में सपा को बर्बाद कर रहे हैं। उनके चाचा ने ही 50 सीटों पर सपा को पहले ही हरा दिया है। मेरा फिर सुझाव के अपने राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव चाचा की बातों को कम तहरीर दें, और मैं तो कह रहा हूँ कतई नहीं, वो आपको बदनाम, आपको बर्बाद करने के तुले हुए, और कर ही दिया आपको। अब आप सोचेंगे हमारी बात तो मुझे मनन करेंगे कि 50 सीटें चाचा खा गए चुनाव से पहले, राइट आने से पहले। और हमारा सुझाव प्रदेश में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखें, यही हमारी सबसे अपील है, जनता से भी अपील है। कभी ईएम अवाम है, कभी घबलेबाजी नहीं होती है, ना होती है कभी, बहुत चुनाव अगर यही होती है तो ये जो जिस प्रदेश के संगठन सबका मुख्यमंत्री हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के, ये बातें हमें शोभा नहीं देती, इसलिए ऐसे फोन न करें जिससे किसी का पात्र हम लोग उससे मजाक बनाए। और मेरा सुझाव है कि चाचा को नंदनगांव कर दीजिए, चाचा के पुत्र को बिल्कुल बाइकाट कर दीजिए, तो तुम्हारा पार्टी का भला हो सकता है, आपका भी कल्याण हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, JMD खबर।